और ये आपने क्या डाल दिए? छोले डाल दिए? छोले डाले मैंने, छोले डाल दिए। ये मुरमुरे आ गए? मुरमुरे डाले मैंने। ओके, मुरमुरे आ गए। ये आ गई, सो आ गई, सेव डाल दिए, सेव आ गई, सेव सेव सेव। ये चौड़ा चौड़ा आ गया जी। ये दाल आ गई, चने की दाल आ गई। ये प्याज आ गई थोड़ी सी, एक मिनट अभी हरी मिर्ची कटेगी जी। जी तो बोलता है स्पाइसी तो स्पाइसी बन जाती है। ओके, ये हरी मिर्ची आ गई इसके अंदर। ये हरी मिर्च का तड़का लग जाता है। उसके बाद क्या होता है हरी मिर्च के तड़के के बाद? ये मसाला है, चाट मसाला है। कौन सा मसाला है? चाट मसाला डलता है भाई। चाट मसाला डाल दिया, चाट मसाला डल गया। इसके बाद ये अचार डाल। ये अचार किस चीज का अचार है? ये आम का अचार। आम का अचार है ये अचार, और तेल है। अच्छा, लहसुन भी डाला हुआ इसमें। जबरदस्त, अब आम और लहसुन का अचार है ये। अब ये मिक्स होगा, ये डाल दिया। अब इसे मिक्स मिक्स कर दिया। ओके, अब मिक्स होगा भाई ये। ये मावा खा रहे हो क्या? खा रहे हो? झटपट है ये, झटपट खाने का मजा ऐसा ही है ना। ये हाथ में ऐसा ही ना, ये हाथ में डाल के ऐसे, ये यार ये हाथ में डाला, ये मावे वाले स्टाइल के अंदर है। मावे में पाबंदी है, झटपट खा ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हमारी मंजिल है भाई औरंगी टाउन। औरंगी टाउन आकर बहुत सारी वीडियोस बनाई, और जब कभी भी आते हैं लोग कहते हैं यार आपने औरंगी टाउन की झटपट दिखाई, तो क्या खाया? और झटपट, झटपट ऐसा नाम था यार, ये क्या चीज़ है झटपट? तो आज हम उसी की तलाश में पहुँच गए हैं भाई औरंगी टाउन, और खाएंगे औरंगी टाउन की झटपट, क्योंकि ये जल्दी से तैयार हो जाती है और फट से लोग इसे खा जाते हैं। तो आज हम ये ज़रा खाकर बताएंगे कि आपको जायका कैसा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का मिलाप होता है और कीमत बहुत कम है, और औरंगी टाउन के लोगों को ये बहुत पसंद है। मतलब ये इनका समझ ले कि ज़बरदस्त किस्म का स्नैक है इनका। जब कभी भी इनको थोड़ी सी भूख लगती है तो ये आ जाते हैं झटपट खाने के लिए, ताकि भूख मिटा लें। तो हम ज़रा जायका भी चखेंगे और आपको बताएंगे कि इतनी अच्छी है कि आपको औरंगी टाउन के बाहर से भी आने की ज़रूरत है या नहीं। आ जाए, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? तो ये औरंगी टाउन में कौन सा नंबर है? ये सेक्टर नंबर 11.5। 11.5 जी। तो क्या है आपके पास ये झटपट बड़ी मशहूर है औरंगी टाउन में? क्या होती है झटपट, जरा दिखाएं। ये झटपट बनाता हूँ मैं इस तरह से। अच्छा, इस तरह झटपट, तो इसमें क्या क्या मिला हुआ है? ये इसमें जैसे कि ये काले चने, काले चने मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये मुरमुरे, मुरमुरे, हाँ मुरमुरे आ गए। सेव आ गए, सेव आते हैं। और इसके बाद क्या है? ये चिवड़ा है। ये चिवड़ा आता है, ये चिवड़ा आता है। सही, जबरदस्त जबरदस्त। प्याज वगैरह भी डलते हैं इसके अंदर। ये दाल डलती है, चने की दाल है फ्राई हुई भी। फिर ये प्याज है, फिर इसके बाद ये मिर्ची डालते हैं। हरी मिर्ची भी डलती है जी, ये हरी मिर्ची भी डलती है, हरी मिर्ची डलती है। हरी मिर्ची के बाद ये क्या चीज है? अचार है, अचार, अचार ही है। और ये अचार मिक्स के होता है फिर जी, अचार। ये जायका, ये जरा यहाँ के औरंगी टाउन में बड़े लोग पसंद करते हैं जी। यहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं, बल्कि पसंद करते हैं कि नई कराची, शादमान और नागन से बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। अच्छा, वहाँ से भी आते हैं, नागन से लोग खाने के लिए आते हैं हमारे पास। तो ऐसा क्या है ये, मतलब आपने खुद ने शुरू किया था या औरंगी टाउन पहले से चल रहा है? नहीं, ये तो औरंगी टाउन पहले से चल रहा है। और झटपट के नाम से फटाफट बन जाता है, पेट भर जाता है जल्दी से जी, जी, बस। चले 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 चले। कितने की प्लेट होती है वैसे? ये 50 रुपए की प्लेट होती है, 50 रुपए से शुरू हो जाती है। और ये इसकी लोकेशन आपने बता दी, क्या लोकेशन क्या, किस तरीके से आया बंदा? सेक्टर नंबर 11.5, ये नजदीक दुआ चौक है। दुआ चौक से, दुआ चौक से ये पुराना थाना कहलाता है, पुराना थाना कहलाता है, ठीक है। अच्छा, और टाइमिंग क्या होती है आपकी? मैं असर की नमाज से रात की 11 बजे तक, असर की नमाज से लेकर रात की 11 बजे तक, ठीक है जी। तो एक बनाया जरा, हमें 50 वाली बना के दिखाएं, जरा एक शुरू से बना दे हमारे लिए। जी, 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 मैं शुरू से बनाता हूं। और ये आपने क्या डाल दिए? छोले डाल दिए? छोले डाले मैंने, छोले डाल दिए। ये मुरमुरे आ गए? मुरमुरे डाले मैंने। ओके, मुरमुरे आ गए। ये आ गई, सेव आ गई, सेव डाल दिए, सेव आ गई, सेव सेव सेव। ये चौड़ा चौड़ा आ गया जी। ये दाल आ गई, चने की दाल आ गई, चने की दाल आ गई। एक मिनट, ये प्याज आ गई थोड़ी सी, एक मिनट दो, अभी हरी मिर्ची कटेगी जी। जी, तो बोलता है स्पाइसी तो स्पाइसी बन जाती है। ये स्पाइसी बड़ी, इससे मिर्ची मैंने काट दी ना। ओके, ये हरी मिर्ची आ गई इसके अंदर। ये हरी मिर्च का तड़का लग जाता है। उसके बाद क्या होता है हरी मिर्च के तड़के के बाद? ये मसाला है, चाट मसाला है। कौन सा मसाला है? चाट मसाला डलता है भाई, चाट मसाला डाल दिया, चाट मसाला डल गया। इसके बाद ये अचार डाल। ये अचार किस चीज का अचार है? ये आम का अचार। आम का अचार है ये अचार, और तेल है। अच्छा, लहसुन भी डाला हुआ इसमें। जबरदस्त, अब आम और लहसुन का अचार है। अब ये मिक्स होगा, ये डाल दिया, अब इसे मिक्स मिक्स कर दिया। ओके, अब मिक्स होगा भाई ये, इस तरह से ये मिक्स हो गए जी। जी, अब इसको हम खाएंगे भाई। ये जरा निकालें, 50 रुपए वाली बनाए हमारे लिए। ये 50 रुपए की है जी। 50 रुपए तो अच्छी खासी है भाई, तो आराम से 50 रुपए की। ऊपर से दाल और डलती है, ये चम्मच आ गया।
ये हमारी तैयार हो गई भाई। अच्छा भाई देखो, इसका जो मज़ा है ना, मेरे ख्याल से हाथ से आएगा यार। वो जो इस तरह करके ना, यूँ करके खा रहे थे ऐसे करके ना, ऐसे आपने निकालनी है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे। ये असल तरीका ही है। मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रहा हूँ उसका जायका है क्या। अचार का तेल बड़ा लाके लगता है, बाकी जो मुरमुरे हैं या सो है, सीओ और दीगर चीज़ें, उनका जायका आता है, मगर जो अचार की खुशबू है ना, जो तेल है उसका, वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। ये देखें, तो काले चने, काले चने, दीगर चीज़ें, हरी मिर्च वगैरह भी आती है, लेकिन ये इसका तरीका यही है कि आपने एक नया जायका है। मैंने इतना का जायका कभी ट्राई नहीं किया, उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीज़ें को मिक्स किया उन्होंने, और क्वांटिटी क्वालिटी के लिहाज से तो ठीक है, मगर आप बोले हाईली रिकमेंड करो, मैं आपको हाईली रिकमेंड कभी नहीं करूँगा ये, क्योंकि उसमें जो खास में तेल डला हुआ है ना, वाकई आपको थोड़ा लगता ज़रूर है, लेकिन जायका अच्छा है। क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक नया कॉम्बिनेशन बनता है और मज़ा आता है खाने में। ऐसा नहीं कि मज़ा नहीं आता, मज़ा आता है, मगर ऐसा मज़ा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आना लाजमी है, लेकिन कभी गुजर रहे हों 11:30 नंबर से औरंगी टाउन आए तो चख जरूर सकते हैं, ऐसा तो है। अल्लाह हाफिज़ जी।